अगर आपके पास सी एस सी आई डी है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपकी आईडी को सस्पेंड किया जा सकता है। सो इस वीडियो में मैं आपको सी एस सी उद्यम रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करेंगे, इसमें सर्विसेज में जाएंगे, इसमें आपको सर्च कर लेना है उद्यम। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आप लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर नेम डाल देना है जैसा आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई कराना होगा। इसके लिए आप पहले चूज करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास इंडिविजुअल पैन कार्ड है तो आप प्रोप्राइटरी चूज कर लीजिए। इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे और वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी डन। लेकिन अगर पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें आप चूज करेंगे कि आपके पास जीएसटी नंबर है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। क्या आपने पिछले साल का आईटीआर फाइल किया था, अगर किया था तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे। इसके बाद आपको अपने एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी डाल देनी है। इसके बाद कैटेगरी चूज करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद उद्यम का नेम डालेंगे तो यहाँ पर आप अपनी शॉप का नेम डाल दीजिए। इसके बाद यूनिट नेम डालेंगे, ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे तो यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको लोकेशन डाल देनी है तो जहाँ पर आपका सेंटर है आप वो लोकेशन यहाँ पर फिल कर दीजिए। अगर आपके पास कोई ऑफिस है तो उसका एड्रेस आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट डालेंगे, किस डेट को आपने ये शॉप ओपन की है वो डेट आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद अपनी बैंक डिटेल्स फिल कर दीजिए, इसमें आप बैंक का नेम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डाल दीजिए। मैन्युफैक्चर और सर्विस में आप सर्विस चूज करेंगे। मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विस में आप ट्रेडिंग चूज करेंगे। इसके बाद आपको एनआईसी कोड डाल देना है। आप जो भी काम करते हैं आप वो यहाँ पर टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड कोड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ही आप सर्विस सिलेक्ट करेंगे तो एनआईसी 2 डिजिट कोड यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको एनआईसी 4 डिजिट कोड चूज कर लेना है। इसके बाद एनआईसी 5 डिजिट कोड आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह से अगर आप और भी काम करते हैं तो यहाँ पर आप एनआईसी कोड सर्च करेंगे और इसी तरह से यहाँ पर फिल करके ऐड मोर एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ लोग काम करते हैं तो आप यहाँ पर डाल देंगे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर कितने हैं। इसके बाद सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आप यहाँ डाल दीजिए। इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप ओके कर दीजिए। ₹1 का आपको पेमेंट करना होगा तो यहाँ आप पासवर्ड डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपके सीएससी वॉलेट से ये ₹1 कट हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और साथ ही एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आप यहां देख सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इसके बाद अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप प्रिंट वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें आप प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पर मोबाइल डालेंगे जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया था। लेकिन अगर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो आप इसी ऑप्शन में आएंगे, प्रिंट वेरीफाई। इसमें आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगेट उद्यम यूएएन नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप मोबाइल चूज करेंगे और यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है जिससे आप
आपने रजिस्ट्रेशन किया था। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहां डालकर वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपका ODM रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट वेरीफाई में प्रिंट ODM सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना ODM रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। ओटीपी मोबाइल पर चाहिए या ईमेल पर वो आप चूज करेंगे और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। ओटीपी डालकर वैलिडेट ओटीपी एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएगी। आप अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ओके। आपके सामने आपका ODM रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप अपने CSE सेंटर के लिए ODM रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे, माय प्रोफाइल। इसमें लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ODM रजिस्ट्रेशन। इसमें आप अपना ODM रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालकर चेक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगा।